मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रशीद कंपाउंड चरनीपाड़ा से जो नाला गया है, कल उस नाले में फेंके गए कचरों में आग लग गई। इससे निकलने वाले जहरीली धुएं से लोगों को सांस लेने में, आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आग कैसे लगी, किसी ने लगाया, ये कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। मगर सवाल उठता है कि क्या नाला कचरा फेंकने के लिए बनाया गया है? नाले के दोनों तरफ घर हैं, अपनी घरों की खिड़कियों से लोग नाले में कचरा फेंकते हैं, और इसी तरह से ठेले गाड़ियों पर सब्जियां बेचने वाले गोनी में भरकर नाले में कचरा फेंक कर चले जाते हैं। कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। नाले की तस्वीरें देखें, इस नाले से पानी कैसे जाएगा? पूरा नाला कचरा से भरा हुआ है। कुछ बाहर के लोगों ने कचरा फेंका है तो कुछ नाले के पास रहने वाले लोगों ने। इनके द्वारा फेंके गए कचरे जलने से इन्हीं लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को नाले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, मगर अक्सर देखा जाता है कि लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। यहाँ तक कि इमारतों से रोड पर चलने वाले लोगों पर भी कचरों की थैलियाँ फेंकी गई हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। रशीद कंपाउंड चरनीपाड़ा से जाने वाले इस नाले में फेंके गए कचरों में काफी घंटों तक आग जलती रही। दमकल कर्मी बुझाने का प्रयास करते रहे, मगर लोग कब समझेंगे अपनी जिम्मेदारी, इसका कुछ पता नहीं है। बारिश में इसी तरह से फेंके गए कचरों की वजह से पानी निकल नहीं पाता है। स्थानीय नगर सेवकों की भी जिम्मेदारी है कि नाले को साफ सफाई करवाना चाहिए, मगर सिर्फ बारिश आने के वक्त ही एक बार नाले की साफ सफाई करा कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वैसे तो नगर सेविका के पति इब्राहिम राउत ने बताया कि लोगों को खुद नाले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, और कई बार लोगों को इस बारे में समझाया भी गया है, मगर लोग नाले में कचरा फेंकने से बाज नहीं आते हैं। और आज इनके द्वारा फेंके गए कचरों में आग लगने की वजह से जो जहरीले धुएं निकल रहे हैं, उस धुएं से ये लोग खुद परेशान हैं। यह एक बात बताना और जरूरी है कि सिर्फ नेताओं को ही दोष देना आखिर कहां तक ठीक है? क्या ये शहर के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि हर चीज कलवा मुमरा से कंपेयर की जाती है? कलवा में ये है, कलवा में वो है, तो क्या कलवा में ऐसे ही नाले गलियों में लोग कचरों को फेंकते हैं? नहीं फेंकते हैं। खैर, वो अलग बात है कि आपको कहीं थोड़ा बहुत कचरा मिल जाएगा, मगर आपको बता दें कि मुमरा शहर के रशीद कंपाउंड के नालों की ये तस्वीरों की तरह कचरों की तस्वीरें मुमरा शहर में आपको कई जगहों पर और भी दिखाई देगी, जो नालों से लेकर गली मोहल्लों तक में इसी तरह के कचरे मिलेंगे। लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और कचरा कहीं भी फेंकते हैं। कहा जाता है कि लोगों से ही शहर बनता है, और अपनी जिम्मेदारी समझिए और शहर बनाइए। देखो, सबसे पहली बात तो नाला चलो बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो प्रभाग है ना, वो 32 नंबर है और ये जो है 33 है। इससे पहले टर्म में ये प्रभाग हमारे अंडर में ही था, उससे बाद में हम लोग इसने बहुत डिमांड किए थे और ये काम चालू भी हुआ था। कुछ हद तक इसका काम हो गया, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने अधूरा काम छोड़ के बंद करके चला गया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत बार आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव के साथ में मिला के इसका सर्वे किए, देखते अब ये कब काम चालू होता है। तो मैं सबसे पहले अपनी में आवाम से ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो लोग नाले में कचरा फेंके ही नहीं। ये अपने मुमरा कौसा में हर जगह का यही हाल है, ना कि चरनीपाड़ा का एरिया है। अगर देखो, बाहर से कोई यहाँ पे कचरा लाके डालता ही नहीं है। हमारे लोग ही ये कचरा डालते हैं। मानसून में
मानसून से पहले इसको साफ़ करते। हालांकि मानसून पहले इसका ये था कि साल में दो बार साफ़ करे, बार बार इसके ऊपर सब लोग नगर सेवक लोग आवाज़ भी उठाते कि आप दिसंबर महीने में एक बार साफ़ करो, उसके बाद मानसून से पहले एक बार फिर साफ़ करो, लेकिन प्रशासन उसके ऊपर अनदेखी करती है। साल में एक ही बार उसका सफाई का वो लेती है, ठेका देती है और एक साल में इसको साफ़ करने लेती है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दो बार तो एटलीस्ट कम से कम साफ़ होना चाहिए। और ये कचरा देखो कितना भयंकर कचरा जमा हुआ है, अभी कोई आग लगा के गया है पता नहीं। अभी जैसा आप बोल रहे एकदम परफेक्ट बोल रहे। अभी मैं फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया हूँ कि आप लोग इधर आ जाओ, नहीं तो अंदर पाइपलाइन है फायर अंदर लाइट केबल। हाँ वो तो वो बोल रहे हैं अभी हम थोड़ी देर में गाड़ी बेच के इसके ऊपर इंशाल्लाह आग को बुझाएंगे। तो अभी सर जैसा आपने बताया कि हर मानसून के अंदर ये कचरा साफ होता है, तो ये जो अभी मेरे को दिख रहा है ये भी कचरा साफ होता है, ये नाले का भी? हाँ ये नाले का भी साफ होता है। बताओ ना अभी पिछले मानसून में इसको साफ किए थे, कितना महीना हुआ होगा? 8 महीना हुआ मुश्किल से। आठ महीने में देखो कितना कचरा जमा हुआ, कोई बाहर से लाके तो कचरा यहाँ डालता ही नहीं है, हमारे लोग ही कचरा डालते हैं। सर अभी मैं जब यहाँ पे वीडियो बना रहा था तो यहीं पे आसपास की एक दो औरतें आके खुद मेरे सामने ही कचरा फेंकी थी, तो मैं और जब मैंने उनसे बात की तो उस वो औरतें बोलती है कि यहाँ पे उन लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है कचरे फेंकने का, यहाँ पे घंटा गाड़ी भी बराबर से आती नहीं है और आती है तो बहुत जल्दी चले जाती है। तो ये ऐसे औरतें लोगों ने बताया। वहाँ पे दूसरी जगह पे मैंने एक दूसरे आदमी से बात किया तो उसने ये बोला कि ऐसा नहीं है, आती सब बराबर है लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर रूल फॉलो नहीं करता है और लोगों को आसानी के लिए वो यहाँ पे आके फेंक देते। तो आपको नहीं लगता कि अभी ये सब रोकने का टाइम हो गया, बहुत हो गया मुमरा में? मतलब हम लोग सिर्फ कंप्लेंट करते रहेंगे कि उसके ऊपर एक्शन भी उठाएंगे? नहीं देखो एक्शन तो होना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन मैं देखो हमारी भी पर्सनल जिम्मेदारी मेरी भी है, हम सब की जिम्मेदारी, जैसा हम अपना घर साफ रखते तो सराउंडिंग क्यों नहीं हम साफ रख सकते। प्रशासन का काम है उसको सफाई करना, लेकिन उसके साथ में हमारी भी जिम्मेदारी। जैसा भी एक ने बोला कि गाड़ी टाइम पे नहीं आती, एक ने बोला गाड़ी टाइम पे आती है, तो हम भी जैसा बिल्डिंग में हमारा एक सफाई कामगार रहता है ना उसके हवाले कर दो, वो कचरा गाड़ी में ही डाल देगा। सारी ऐसी जगह पे अभी हम लोग सर्वे भी किए कि जहाँ पे ऐसे कामगार आ रहे भी नहीं है, ऐसे कामगार आते नहीं है। और अभी यहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे तो छोटी छोटी चॉल्स है जैसे यहाँ पे देखेंगे, तो उन लोगों के लिए ऐसा असाइन नहीं किया गया है यहाँ पे कोई एरिया के अंदर, तो ये भी एक मेजर इशू है। तो ठीक है इंशाल्लाह अभी मैं भी प्रशासन से इसकी मांगनी करूँगा कि मतलब घंटा गाड़ी का एक टाइम टेबल ही हम लोग यहाँ लगा के रख देते हैं। आप यहाँ पे कचरा ना फेंके, जी 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 जी, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नहीं नहीं आपका सजेशन बिल्कुल दुरुस्त है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बैनर भी लगाए और जो हमारा सफाई कामगार का जो टीम है उनसे कोऑर्डिनेट करके और घंटा गाड़ी का जो एक टाइमिंग है फिक्स टाइमिंग भी लिख के यहाँ पे लगा देते ताकि लोग जो नाले में कचरा ना फेंके। ओके ओके।